सुपर डिलीशियस एंड चीजी डिश देखकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज ये रेसिपी हम घर पर ही बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज लेकर आती ही रहती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी डाल सकते हैं और बच्चे खुश हो जाएंगे। चलिए चलते हैं बैलम किचन में और देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले लेंगे एक लहसुन की कली, जिसे मैंने छील लिया है। आपके पास छोटी छोटी है तो आप 2-3 ले लीजिए, मेरे पास बहुत बड़ी थी तो इसलिए मैंने एक ही ली है। अगर आपको इसे पीसना नहीं है तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्टेड बटर, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी यूज कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो सिंपल लाल मिर्च पाउडर ही डाल लीजिए। अब डालेंगे पिज्जा सीजनिंग, अगर आपके पास और कोई हर्ब्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि बटर और पिज्जा सीजनिंग में काफ़ी मात्रा में नमक होता है। अब हम लेंगे 3 बड़ी बड़ी ब्रेड, आप चाहें तो इनकी साइड्स को कट भी कर सकते हैं। अब हमें हर पीस पर जो गार्लिक बटर लगाना है। ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, आटा की हो या फिर मैदे की हो। इन तीनों ब्रेड की एक तरफ अच्छे से बटर लगा देना है। चाकू की हेल्प से जो ऊपर वाले 2 ब्रेड पीस हैं हमें सिर्फ उन्हें कट करना है, जो नीचे वाला है उसे एज इट इज रहने दें। आप देख सकते हैं कि मैंने कट कैसे लगाया है, नीचे वाले ब्रेड को साबुत ही रहने दें। अब इस कट के बीच मोजरेला चीज को अच्छी तरह से फिल करना होगा। मोजरेला चीज को नीचे वाली ब्रेड तक अच्छी तरह से फिल कर दें और अब थोड़ा सा चीज ब्रेड के ऊपर भी डाल दें। अब गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल देंगे ओरेगैनो या फिर चिली फ्लेक्स। जगह पर आप बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी यूज कर सकते हैं। अब इस ब्रेड को ओवन में 300 डिग्री पर 5 मिनट के लिए रखेंगे और बाद में देखिए वाह क्या ब्रेड बनी है। तो मुश्किल से इस रेसिपी को बनाने के लिए 8 से 10 मिनट लगे होंगे। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।